आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में 20 सहित कर्नाटक में मिले JN1 के 34 मरीज, 3 की हुई मौत। अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी तेज, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी भी होंगे शामिल। आदेश देने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध हटाने में देरी को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। BRS के सांसद के कविता ने राहुल को बताया चुनावी गांधी, कहा सनातन धर्म विवाद पर स्पष्ट करे रूप। जंगल से निकलकर घर में घुसे बाघ ने मचाई अफरातफरी, दहशत में लोग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुई घटना। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला ने चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस तेजी से सिर उठा रहा है। अब तक कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के 34 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, एक मृतक बेंगलुरु दक्षिण जोन और दूसरा मृतक बेंगलुरु पश्चिम जोन से है, जबकि तीसरी मौत रामनगर जिले में हुई है। फिलहाल रोजाना औसतन 2500 कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं, जल्द ही इसे प्रतिदिन 5000 करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोविड परीक्षण के लिए पर्याप्त RT-PCR व रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध है। राज्य सरकार COVID-19 तकनीकी सलाहकार समिति और कोविड को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति स्थित पर लगातार नजर बनाए हुए है। राज्य सरकार और अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विपक्ष के नेता आर अशोक के उन आरोपों की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने कोविड के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार की गहरी नींद में होने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोई भी सरकार कोविड की स्थिति को संभालने के उपाय करने, सावधानियां बरतने और आवश्यक व्यवस्था करने में कर्नाटक सरकार जितनी सक्रिय नहीं है। उन्होंने कहा, हम यहां लोगों के बीच दहशत पैदा करने के लिए नहीं है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों व राज्य COVID-19 तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों का सख्ती से पालन हो रहा है। राज्य सरकार जिम्मेदारी से चीजों को संभाल रही है, इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने निर्देश दिए है कि स्थिति को संभालने में अतीत की गलतियों को दोहराया नहीं जाए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। इस दिन भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसे में सभी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व CM और JDS नेता HD कुमार स्वामी को इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण को दोनों नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। पूरे देश में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत देश में पहली बार 22 जनवरी को दीपावली मनेगी। रंगोली से घर के दरवाजे सजेंगे और दिन में एक साथ मंदिरों में बैठक करोड़ों लोग राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखेंगे। इसके लिए देश भर में प्रत्येक घर और मोहल्ले के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाए जाने पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में 7 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई, बावजूद इसके अभी तक राज्य में हिजाब प्रतिबंध नहीं हटा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि आदेश जारी करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस को आदेश जारी करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने CM सिद्धरामैया पर हमला करते हुए कहा कि CM ने एक सभा में कहा था कि आप जो चाहे वो पहन सकते हैं, लेकिन एक घंटे के भीतर वह हिजाब प्रतिबंध को हटाने पर कहते हैं, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। CM सिद्धरामैया के रवैये से कर्नाटक के मुस्लिम नागरिक खासा खफा है। भारत राष्ट्र समिति BRS की सांसद के कविता ने क्रिसमस की सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और पिछले महीने के विधानसभा चुनाव से पहले की बातों को याद किया। इस चुनाव में कांग्रेस ने BRS को हराया था। कविता ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें चुनाव गांधी कहा और मांग की वह सनातन धर्म विवाद सहित पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के सदस्यों की विवादास्पद टिप्पणियों पर अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने कहा, आज हम कई राजनीतिक नेताओं के दुर्भाग्यपूर्ण बयान देख रहे हैं,
कुछ वर्गों से वोट हासिल करने की यह प्रक्रिया आखिरकार देश को उस तरीके विभाजित करेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे पार्टियां सनातन धर्म या शौचालय साफ करने वाले मजदूरों का अपमान करती हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना सरकार 350 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। चुनावी वादों के तहत कांग्रेस पार्टी ने 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का वादा किया था। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचर जिलों में लगभग 1,784 कॉलेज है, जिनमें लगभग 5 लाख गरीब छात्राएं हैं। इनमें से 2 लाख महानगरीय क्षेत्रों में है, जबकि 70,000 सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। मोदी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत देश भर के गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान किया जाता है। उधमपुर में रामनगर तहसील के पंचायत राय सातियन में महिलाओं के जीवन को बदल रही है, जिन्हें खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर लेने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कतार में खड़ी थी। 80 वर्षीय महिला तेजा ने कहा कि वह अब इस उम्र में रसोई गैस का उपयोग करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वह जीवन भर खाना पकाने के लिए पास के जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती रही। उन्होंने योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब खुश है क्योंकि उन्हें अपने दरवाजे पर मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिल रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर और रामलला की प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी हलचल के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान राम उनके दिल में है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है, भगवान राम मेरे दिल में है और मुझे किसी शो में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यह बयान तब आया जब कपिल सिब्बल से पूछा गया कि क्या वह 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता नहीं हुई तो इसका परिणाम गाजा और फिलिस्तीनी जैसे ही होगा। गाजा पट्टी में इस समय इजराइल और हमास के बीच जंग हो रही है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देर रात एक बाघ जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में घुस आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह बाघ एक घर की दीवार पर चढ़ गया और वहां आराम से बैठ गया। दीवार पर आराम कर रहे बाघ को देखकर आवारा कुत्तों के भौंकने से ग्रामीण सतर्क हो गए। जानकारी के अनुसार ये बाघ पीलीभीत जिले के टाइगर रिजर्व जंगल से निकलकर रात को कलीनगर इलाके के अटकोना गांव पहुंच गया। आसपास के इलाकों में बाघ की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद दीवार पर सोते बाघ का नजारा देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। बाघ ने गांव के निवासियों को पूरी रात जगाए रखा और एक दीवार पर ही बैठा रहा। वहीं घर में बाघ की मौजूदगी की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ा नहीं जा सका है। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भर गया है। लोगों का कहना है कि वन विभाग के अफसरों की लापरवाही से जंगल से बाघ घरों में घुसने लगे हैं। इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। बाघ द्वारा किसी इंसान पर हमला करने की कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद,
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्रांस में 4 दिनों तक फंसे रहने के बाद भारतीय यात्रियों की फ्लाइट आज वापस मुंबई लौट आई। फ्रांस से वापस लौटे यात्रियों को देश लौटते ही उनकी विवादास्पद यात्रा पर कई सवालों का सामना करना पड़ा। दरअसल फ्रांसीसी अधिकारियों ने मानवीय तस्करी की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच मुंबई हवाई अड्डे के बाहर वापस लौटे यात्रियों में से कई लोग मीडिया से बचते दिखे। वो मीडिया को देखकर उनके सवालों से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि आज सुबह तड़के फ्रांस से लौटी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी। इस फ्लाइट में 276 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अगर कोई हिंदू महिला पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करती है तो ये काफी चौंकाने वाला है। यह रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले के एक हिंदू महिला ने पाकिस्तान में आगामी चुनाव में एक सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। सवेरा प्रकाश ने बुनेर जिले में PK-25 के सामान्य सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। हिंदू समुदाय की सदस्य प्रकाश अपने पिता ओम प्रकाश के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर आशावादी है। 35 वर्षीय प्रकाश के पिता ओम प्रकाश हाल ही में सेवानिवृत्ति हुए हैं। वह एक डॉक्टर और PPP के एक समर्पित सदस्य रहे हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में 20 सहित कर्नाटक में मिले JN-1 के 34 मरीज, 3 की हुई मौत। अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी तेज, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी भी होंगे शामिल। आदेश देने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध हटाने में देरी को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। BRS के सांसद के कविता ने राहुल को बताया चुनावी गांधी, कहा सनातन धर्म विवाद पर स्पष्ट करे रुख। जंगल से निकलकर घर में घुसे बाघ ने मचाई अफरातफरी, दहशत में लोग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुई घटना। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला ने चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किया नामांकन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।